बिहारी नेपाली लोग हैं, बड़े दिल खुश हो जाता है इनका। स्वयंभू जा रहे हैं, स्वयंभू स्वयंभू हम भी जा रहे हैं, आइए ब्लॉग बनाएंगे। हमारा तो भारी इधर ही है। काठमांडू जो शहर है ना भाई, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा आबादी वाला शहर है। आपको यहाँ पे भाई ये मिल जाएगा, ये हेलो हाय, आप तो इंडिया से लग रहे हो। हाँ पहचान लिया, इंडिया। ये कुछ यहाँ का ऐसा टेंपल है, ये छोटा टेंपल है, गणेश भगवान का है, बट काफ़ी अच्छा है। इस डिज़ाइन में टेंपल मिलेंगे, जितने भी टेंपल है ना भाई, ज़्यादातर सभी टेंपल आपको इसी डिज़ाइन में मिलने वाले हैं नेपाल में। तो नेपाल में आप ये मत समझिए कि हर बाइक पे किसी का फैमिली वाला बैठा है, आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई पैसेंजर वाली बाइक भी है भाई। रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं लेडीज़, तो खासकर 90% लेडीज़ तो मैं रेड कलर में साड़ी में देखता हूँ, और जेंट्स लोग भी जैकेट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे ज़्यादातर रेड कलर का। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे देखने को बहुत मिलेगी नेपाल में। देखो ये भैया, स्वयंभू का कितना पैसा लोगे? स्वयंभू आप कितना लोगे बताओ? ऑनलाइन में 200 रुपये उठेगा नेपाल में। 100 रुपये ले लेना तो बताओ भाई जी, 100 रुपये नहीं तो मैं पैदल भी चला जाऊँगा। 100 रुपये में ले लेना है तो बताओ। चलो भैया राजी हो गए 100 रुपये में। 100 रुपये हैं भाई, 125 ले लेना। चलो चलो भाई, 125 यानी कि इंडिया का वही लगभग 70 रुपये हो गया, यानी कि भाई 3 किलोमीटर का 70 रुपये ले रहे हैं भाई। केरला से तो सस्ता है भाई, केरला में 3 किलोमीटर का 80, उधर भी 80-90 रुपये ले लेंगे, लेकिन वो भाई केरला में आपको ऑटो से लेके जाएंगे और ये भाई आपको बाइक से लेके जा रहे हैं, तो ये बात है। आप यहाँ ये ऑनलाइन रजिस्टर रहता है क्या ये सब बाइक? पठाओ है। अच्छा कितना देते हो? सर्विस का 100 रुपीज़ का 20 रुपीज़ पर डे देते हैं। 100 रुपये का 20 रुपीज़, 20 रुपये सरकार को टैक्स है। अच्छा तो आपको जो भी रहता है बाकी सब आपका रहेगा? हाँ अब सब जो भी रहेगा ना हमारा ही रहेगा। अभी सीजन टाइम है या अभी सीजन बंद है? सीजन तो नेपाल में बंद है भाई जी, अभी बंद है सीजन। कितना मज़ा आ रहा है भाई, भाई के साथ बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और अभी स्वयंभू पहुंच जाएंगे तो वहाँ तो और मज़ा आने वाला है गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई ये आपको पठाऊ बोलते हैं ना, इसको पठाऊ बोलते हैं? हाँ पठाऊ। ऑनलाइन भी आप इसको, कोई भी आता है तो ऑनलाइन उसको कर सकता है, उससे ऑर्डर कितने मिनट के अंदर पहुंच जाते हो आप ऑनलाइन करने पे? अरे ये नज़दीक है ना, लगभग 200 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400-500 मीटर पनी तब 2-3 मिनट में हम पहुँच जाएगा। ये विष्णुमति बोलता है, विष्णुमती सोलह होती है, विष्णुमती नदी। टैक्सी वाले से ये कितना सस्ता? यदि टैक्सी वाला 300 रुपये लेगा तो आप उसका कितना लेते हो? वो टैक्सी के बहुत सस्ते है ना बाइक में, अब टैक्सी 300 रुपये लेगा तो हम 100-150 लिएगा। टैक्सी से काफ़ी सस्ता है? हाँ टैक्सी बहुत सस्ता है ना, टैक्सी 300-400 रुपये लेता है ना, हम तो 100-150 हेरी के किलोमीटर के हिसाब में। देखो भाई नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, कौन भी देखो सामने है स्वयंभू, देखो हाइट में आपको आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, जो हाइट में है ना ऊपर का, उधर ऊपर पहाड़ी थी हम गए थे 2 साल पहले, उधर है भाई स्वयंभू, देखो सामने सबसे लास्ट में बहुत ही अच्छा मंदिर है, ऊपर पहाड़ी से पूरा नेपाल भाई दिखाई देता है, मतलब आप पहाड़ी पे चढ़ जाओगे ना पूरा नेपाल दिखाई देगा भाई, इतना ऊपर। इसको गौतम बुद्धा भगवान का है ना शायद वो, बुद्धा गौतम बुद्धा भगवान का है शायद, और ही हिंदू देवी देवताओं की भी और लोगों की भी मूर्ति है। देखो ऊपर पहाड़ी पर है वो, दिखाई दे रहा होगा आपको, उधर जाएंगे। भाई नेपाली लोग हैं, बड़े दिल खुश हो जाता है इनका। स्वयंभू जा रहे हैं, स्वयंभू हम भी जा रहे हैं, आइए ब्लॉग बनाएंगे। हमारा तो भारी इधर ही है, तो हमें घुमा दो ना आज भाई ये लोग बड़े मस्त हैं, हाय कर रहे थे कैमरा देख के, तो मैंने वीडियो बनाया, खुश हो गए, बोले ठीक है। हाँ ये भाई साहब ऐसे स्कूटी भी होती है, सिर्फ बाइक रहती है? स्कूटी बाइक सब होते सब रहता है,
तो इस तरीके से आपको पठाऊ आपको डाउनलोड करना है। हाँ, एप्स डाउनलोड कर रहे हैं सब लोग। थैंक यू। तो गाइस नेपाल की सबसे बढ़िया सर्विस है, आप इसको देख सकते हो। यदि नेपाल में आपको सबसे सस्ते में ट्रेवल करना है तो मैंने वीडियो बना दी है, पठाऊ करके एक सर्विस होती है भाई, पठाऊ सर्विस है, उसको अपलोड करो, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, सारी आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी।